फ्रेंड्स, अभी हम हनोई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सिक्योरिटी कर चुके हैं, जो कि हमारा फ्लाइट आज 4 घंटा डिले था। बिजेट का फ्लाइट वो हमेशा ही डिले रहता है, जैसे हमने पहले देखा था दूसरा यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह में, हमारा साथ भी वही हुआ। तो अभी हमारा फ्लाइट जस्ट अनाउंस होने वाला है, अभी बोर्डिंग गेट के पास मैं जा रहा हूँ। ये आप हनोई का जो एयरपोर्ट है, ये डोमेस्टिक टर्मिनल है। एक्चुअली मैं यहाँ से जा रहा हूँ दानांग, जो कि 3rd लार्जेस्ट सिटी है आपका वियतनाम का। ये हनोई 2nd लार्जेस्ट सिटी था वियतनाम का और कैपिटल। तो अभी हम गेट की तरफ जा रहे हैं, ये थोड़ा आप देख लीजिए। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा सा ही एयरपोर्ट है, इसी में ही इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों ही इधर उधर बना हुआ है। तो आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगा दानांग से, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत जल्दी मिलते हैं दानांग से। फ्रेंड्स, अभी हम दानांग पहुंच चुके हैं, जो कि 3rd लार्जेस्ट सिटी है आपका वियतनाम का। अभी जस्ट अराइव किए हैं, तो अभी अपना सामान के लिए फ्लाइट के पास इंतजार करते हैं। देखिए कब हमारा सामान आता है, तो सामान आते ही चलेंगे होटल की तरफ। तो अभी दानांग का सफ़र हमारा शुरू होगा। तुम ही थकती का चिंता से जाफरान लग गए दाढ़ी थी ना हल्दी। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं दानांग। दानांग का बीच साइड में है, ये बीच रोड है, बीच रोड में ही अभी हम हैं। यहाँ पे बहुत सारा होटल वगैरह, अपना होटल यहीं पे ही है। तो बीच रोड में अभी हम पहुँच चुके हैं, ये देखिए। ये दानांग जो है, जो कि एक नया शहर है, ये पूरा प्लांट सिटी है। ये आपका हनोई या हो ची मिन्ह का तरह, मतलब नैरो स्ट्रीट वगैरह ऐसे नहीं है, पूरा प्लान सिटी है और बहुत ही बढ़िया वेल मेंटेन। यहाँ आपको बिल्डिंग्स वगैरह भी बड़ा बड़ा नज़र आएंगे और बहुत ही सब मिला के बहुत ही बढ़िया नीट एंड क्लीन सिटी है। तो आपको पटाया का याद भी दिलाएगा थोड़ा बहुत, उसी साइड उसी टाइप का पूरा पटाया का तरह बना हुआ है, जैसे पटाया बीच रोड है उसी टाइप का। तो अभी आप सामने देखिए, यहाँ दानांग में बीच साइड में आपका जो रोड का ऊपर ही बहुत सारा सी फूड का रेस्टोरेंट वगैरह आपको मिलेंगे, बहुत सारा। तो यहाँ पे सी फूड का ऑप्शन बहुत सारा है, आप चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। ये साइड का लॉबस्टर तो 1,95,000। यहाँ सारे सी फूड रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट वगैरह देख ले, उसके बाद बीच साइड पे भी चलेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले में जो फिशेज वगैरह है वो आप बोलेंगे तो उसी को ही आपको सर्व किया जाएगा, सिस्टम वही है। यहाँ सब रेट वगैरह लिखा हुआ है। फिशेस का नाम वगैरह लिखा हुआ है, जो कि वियतनामी में है और करेंट भी लिखा हुआ है। इसी के हिसाब से 6,50,000 1,00,000।
अभी सामने दानांग बीच, बीच साइड की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों तरफ सी फूड रेस्टोरेंट्स, अभी सामने बीच देखिए। नूर आलम भाई हमारे से पहले जा रहे हैं बीच में, यहाँ रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट वगैरह में सब खाने का लुत्फ उठाते हुए। ये जो सी आपको नज़र आ रहा है ये साउथ चाइना सी है। ये आपको पूरा पटाया का याद दिलाएगा। फ्रेंड्स अभी हम आए हुए हैं जो कि दानांग का सबसे फेमस लैंडमार्क जो कि ड्रैगन ब्रिज है, वो जस्ट हमारे पीछे है। यहाँ पे फायर वर्क वगैरह होगा क्योंकि रात के 9 बजे होता है, वो हम लोग देखेंगे। अभी इसी का ही सामने आज वीकेंड का यहाँ मार्केट वगैरह लगा हुआ है जहाँ फेस्टिवल टाइप का माहौल है, तो थोड़ा इसको भी इन्जॉय करते हैं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे ड्रैगन ब्रिज का फायर और सी साइड। ओके तो चलिए देखते हैं। दानांग का नाइट मार्केट है जो कि हैनोई की तरह है, जो कि नाइट मार्केट ज़्यादातर जो शहरों में होता है उसी टाइप का नाइट मार्केट जो कि वीकेंड में लगता है। आज सैटरडे नाइट है इसीलिए यहाँ मार्केट लगा हुआ है और बहुत ही बड़ा वीकेंड मार्केट है, तो हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि कितना देख सकते हैं। ये नाइट मार्केट का मतलब फूड कोर्ट एरिया है, फूड कोर्ट क्या ओपन रास्ते में ही है, मतलब पूरा खाने का है। तो देखते हैं वियतनामी खाना कैसा होता है, थोड़ा चलिए हम जो देखते हैं। बहुत ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ सी फूड से पूरा, अरे दानांग जो है ये समुंदर का किनारे बसा हुआ शहर है, यहाँ सी फूड का बहुत ही ज़्यादा चलन है और यहाँ पे तो लॉबस्टर देखने लायक ही है। तो अभी सी फूड यहाँ आपको लाइव काउंटर में है, जो बोलेंगे वही आपको फ्राई करके दिया। यहाँ दानांग के नाइट मार्केट में क्रॉस के चप्पल, अंजाम
क्रॉक के चप्पल जो कि ऐसे ही बिकते हुए जो कि ओरिजिनल है। यहाँ पे सारे वियतनामी लोकल्स खरीदते हुए जो कि ओरिजिनल है, कॉपी भी है लेकिन ओरिजिनल सचमुच का ओरिजिनल ही लगा मेरे को, और रेट भी हिसाब से सही है। अगर आपको क्रॉक्स का ओरिजिनल लेना हो तो आप मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली क्रॉक्स जो है ना वो वियतनाम में ही बनता है, अमेरिकन ब्रांड है लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग इन वियतनाम, इसीलिए यह कुछ तरीके से पॉसिबल हो सकता है। ये दानांग का नाइट मार्केट चारों ओर फैला हुआ है, मतलब इधर से आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, फिर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं जितना कवर कर सकता हूँ उतना कवर किया। तो कैसा लगा हमको थोड़ा कमेंट में बताइएगा। और ये जो मार्केट नाइट मार्केट है ये हैनोई से थोड़ा छोटा है लेकिन इसका क्वालिटी वाइज मेरे को तो हैनोई से ही अच्छा लगा। तो फिर हो ची मिन्ह जाएंगे, वहाँ का भी देखेंगे। Thank you. Bye bye. Bye. Thank you so much. Namaste. Okay. Namaste. Namaste. Friends, अभी कुछ ही देर में ड्रैगन ब्रिज का जो फायरवर्क दानांग का जो फेमस है वो फायरवर्क अभी कुछ ही देर में होने वाला है। अभी भीड़ देख सकते हैं, बहुत ही टूरिस्ट टाइम है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अभी कुछ ही देरी में ये ड्रैगन ब्रिज में फायरवर्क वगैरह होगा। ये दानांग में भी आपका दुबई का तरह जैसे दाओ क्रूज होता है ना उस टाइप का यहाँ पे भी है। ये देखिए आप क्रूज वगैरह आपको नजर आएगा क्योंकि रात का टाइम है। फायर वर्क वगैरह निकलने वाला है तो अपना पोजीशन हम ले लिए हैं। आप देख सकते हैं पूरा एकदम टूरिस्ट खचा खच भरा हुआ है पूरा एकदम साइड अपना रिवर साइड।
फ्रेंड्स, आज हम अपना ड्रैगन ब्रिज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज ड्रैगन ब्रिज का हम लोग फायर शो भी देखे, वाटर शो सभी देखे हैं, तो पूरा तरीके से मैं भीग गया हूँ आज, एकदम सामने से जाके देखा था। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी तब तक के लिए वियतनाम का दानांग सिटी का ड्रैगन ब्रिज से बाय बाय।